Do you really think I look disappointed? हाँ, गोद में सबसे बड़ी ट्रॉफी मेरे हाथ में है. Seriously, I'm so happy, very happy for the winner, Deepika. Congratulations to her. But really, this is success for me. के you know, एक फैमिली को मिल 3.5 महीने उनको छोड़कर वापस घर आना रियली एक मुझे ऐसा होता है कि जब बैटल फील्ड में जब जाते हैं सोल्जर्स और वो अपने अपनी बीवी अपने बच्चे अपने फैमिली को छोड़कर जाते हैं कैसा महसूस होता है. लिटरली उस घर में मुझे हर दिन हर पल हर वक्त ऐसा ही लगता था. और जब टॉप 5 तक आए रियली एक बहुत बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. एक पूरी एक जर्नी मेरी कंप्लीट हुई. ये जर्नी मेरी खुद की थी एक खुद के रियलाइजेशन के लिए. एंड वो मुझे पूरी लगता हमारी भी जर्नी थी साथ. सीरियसली, सो आई एम रियली ग्लैड कि मुझे बिग बॉस मिला. डिसअपॉइंटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है बिकॉज यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ है. बिकॉज ये खुद एक प्रेशर कुकर है बिग बॉस, आपको पता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसी कोई ये फॉर्मेट नहीं है ऐसा और ना ही कोई एक स्टीरियो टाइप है. आई वुड नॉट से दैट बिकॉज अगर मैं मुझ जैसा इंसान अगर टॉप 5 तक पहुँचा है मुझे पता है अगले साल शायद मुझ जैसा इंसान जीत जाए. यू नेवर नो, यू नो. और ऐसा होता आ रहा है. सो ऐसा कोई टिपिकल फॉर्मेट नहीं है और ना ही ऐसा कोई स्टीरियो टाइप है. सो इट्स द फर्स्ट टाइम किसी ने काइंडनेस की स्ट्रेटजीज यूज की है. अगर आप उस स्ट्रेटजी कहो तो आई थिंक मुझे भी यू नो इफ आई मे से सो कि मुझे लग रहा है कि आगे जाके केवी ने जो बेंचमार्क सेट किया है कि अ गुड पर्सन कैन गो दिस फार इन द शो. और जब कोई महानता की बात करेगा केवी को याद करेगा. सो आई थिंक यू नो इट्स सो इंपॉर्टेंट अपने लिए एक इंप्रेशन बी मेमोरेबल इन द शो. कि लोग सोचेंगे दैट्स द होल आईडिया. यू नो जीत नेचुरली एक ही होती है, एक ही प्राइज होता है. लेकिन आपका किरदार, आप कौन हो, आप कैसे हो, आपका कैसा बर्ताव, चाहे कैसा भी आपका व्यक्तित्व हो, वो निखर के आना चाहिए और लोग आपको उस कैरेक्टर से जानना चाहिए. और मैं रियली मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे किरदार निभाए, बहुत सारे ओम नमः शिवाय बड़े बड़े शोज किए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी. लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो है जो भगवान ने कहा मैं आपको एक और किरदार खेलने का मौका दे रहा हूँ, आपका व्यक्तित्व दिखाने का. और वो किरदार का नाम है करणवीर बोरा जो उसने बनाया. एंड रियली दिस इज आई प्लेड इट जैसे करणवीर बोरा खेलता. आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग. ओके, देयर इज ऑलवेज एक स्ट्रगल होती है हमेशा कि किसको जीतना चाहिए, कैसे जीतना चाहिए, क्या करना चाहिए. आई थिंक मे बी आई वुड हैव हमेशा ऐसे होता है कि जैसे मार्क्स खराब आते हैं आई शुड स्टडीड हार्डर. यू नो ऐसा हमेशा होता है. अगर एग्जाम्स में आपको 100% नहीं आए तो यार 95 आए तो आपको यार 5% क्यों नहीं और पढ़ा. तो मुझे भी लगता है शायद मे बी आई शुड प्लेड अ लिटिल बिट मोर हार्डर. तो अगर मैं सोचता हूँ तो शायद यही सोचता हूँ. लेकिन लेके जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग सृष्टि के साथ रही है, उसके बाद दीपक के साथ रही है, कहीं ना कहीं श्री के साथ भी रही है. बट या दीज थ्री पीपल आई वुड सुरभि के साथ रही है. फनी बात ये, हाँ बिकॉज देखो मैं घर के अंदर हूँ, ये घर के बाहर है. और फनी बात ये कि मैंने अभी तक मेरा फ़ोन टच नहीं किया. आई एम सो ग्लैड मुझे मेरे फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं थोड़े दिनों के लिए एटलीस्ट न्यू ईयर तक. तो मैंने अभी तक वो देखा भी नहीं कि ओपन लेटर क्या है. बट अगर मैं कहना चाहूँगा ये इसका पर्सपेक्टिव है और हमारा सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो मैंने इस शो पे सीखा है. बिग बॉस ने हमें भी सिखाया कि या यू हैव टू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ. अगर इसने कुछ लिखा होगा वो मैं जाके पढ़ूंगा क्या है एक्चुअली. मुझे अभी तक मैं पढ़ा भी नहीं. खाली जो सलमान भाई ने लिखा है, सलमान भाई ने कहा है उस पर ही मैंने रिएक्ट किया. बिकॉज आई एम इन द हाउस एंड यू डोंट नो. ये लिटरली ये एक ऐसी रणभूमि है बिग बॉस की आपको सिखाती है कि आपको क्या करना है बाहर आकर अपनी पूरी ज़िंदगी में. तो जो 18 साल मैंने काम किए हैं कहीं ना कहीं हम थोड़े ना रिलैक्स्ड हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में बिकॉज वॉट एवर वर्क यू डन. मुझे इस शो में आकर मैं लिटरली मैंने 18 साल और कमाए. मुझमें अभी वो शिद्दत, वो जुनून, वो जज्बा आया है वापस टू डू इवन बिगर थिंग्स इन लाइफ. You know what? Not at all. Actually, it's fun. But with आप देख रहे हो मुझे. You know, सलमान जी ने खुद कहा रणवीर सिंह copies you. No, you know, सलमान भाई का कल बोला था उन्होंने. सलमान भाई का banter और मेरा बहुत प्यारा. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस मेरे ऑडियो वीडियो में भी. आई थिंक खाली मेरा ही ऑडियो वीडियो क्लिप था जिसमें सलमान भाई वो मस्ती मजाक नोक झोंक कर रहे. आई थिंक हु वुड नॉट लव गेटिंग यू नो हैविंग फन एंड हैविंग अ बैंटर विद सलमान खान. सीरियसली कोई एक चीज जो आपने पाई हो बिग बॉस के घर में और कोई एक चीज जो खोई हो. सॉरी 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 प्लीज. कोई एक चीज ऐसी जो बिग बॉस के घर में आपने पाई हो और कोई एक ऐसी चीज जो खोई हो. एक ऐसी चीज जो मैंने पाई है वो है
व्यक्तित्व, ये शब्द आई सर, जो आप आई एम श्योर आप सब लोग भी समझ गए होंगे एक व्यक्तित्व क्या होता है, बिकॉज ये तो मेरा व्यक्तित्व है. सीरियसली इट्स अमेजिंग. ये बिग बॉस आपको सिखाता है, रियली आई एम टेलिंग यू, टू वॉन्ट एंड टू वॉइस इट, कि ये मुझे चाहिए, बोलो इसके बारे में, चाहे वो आप हो रियली इन लाइफ, चाहे किसके साथ भी हो, उसको अच्छा लगे ना लगे, यू हैव टू वॉन्ट. अगर आप बोलोगे ना कि मुझे ये चाहिए हक से, वो आपको नहीं मिलेगा. यूनिवर्स भी ट्राई कर ले, वो आपको नहीं दे सकेगी, बिकॉज आपको चाहिए ही नहीं इतनी, मतलब इतनी शिद्दत से. तो शिद्दत से बोलो यू वॉन्ट इट, एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड, कि कभी भी कुछ भी चाहिए लाइफ में, से आई वॉन्ट इट. आई थिंक जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा क्लियर हूँ कि मैं कंफ्यूज नहीं था, जैसे टीचर ने कहा कि एक स्ट्रैटेजी समझ लो, आई थिंक काइंडनेस और एक विनम्रता से और ह्यूमिलिटी से, डिग्निटी से, ग्रेस से इस शो को मैं लिटरली कहूँगा कि झेलना, यू नो लिटरली ये कर्म भूमि है, इज अ वेरी बिग थिंग. और दीपिका मेघा बोलती है अरे केवी के पास होगा, कि बोला ऑफ कोर्स है मेरे पास, आओ ये ले लो, यू नो. तो मैं एक्चुअली छुपाता था, तो घर की मम्मी मैं था. बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? आई थिंक यू नो बिना कंटेस्टेंट बने मेरी भी एक जर्नी रही बिग बॉस के साथ, एंड आई थिंक दैट मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि मैंने इतना सारा कंटेंट दिया, मुझे टिकट टू फिनाले क्यों नहीं मिला. मैं मेरा लेटर, मेरी बेबी वियना, मेरी बेबी बेला, मेरी बेबी बेला का पिंक पपी, हम सब आई नो. जितना मैं इन्वॉल्व था बिग बॉस के अंदर, लिटरली ये सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व थी फॉर बिग बॉस एंड फॉर माय सेल्फ, सो यू नो लॉट्स ऑफ लव टू हर, बिकॉज़ जितनी शिद्दत से मेरी वाइफ ने मेहनत की है बाहर, आई बिग बिग थैंक यू टू यू मैन, थैंक यू सो मच. मुझे जब मैं नहीं, मुझे विकास गुप्ता ने बोला जब वो घर आके, तुम तो पॉपुलर हो, तुम्हारे बच्चे ओम नमः शिवाय उससे ज्यादा पॉपुलर थे, वो ट्रेंडिंग. आई सेड व्हाई, हाउ कम, बिकॉज़ जब वो घर आए थे, देन आई सेड हां द फैमिली वीक, यू नो. सो आई एम प्राउड टू बी अ फैमिली मैन. यार बहुत अच्छी बात है कि इन दिस टाइम एंड एज, यू नो, आई फील सो प्राउड दैट, यू नो, आई कैन से प्राउडली दैट आई एम अ प्राउड फादर, अ प्राउड हस्बैंड एंड अ प्राउड सन. बहुत ज्यादा मेरा जो अच्छा उसका बुरा उसका मेरा कुछ नहीं है. करणवीर बोहरा ओके इज अ फैमिली मैन एंड ही विल डू ऑल गुड ओके, बट जो रोल्स आएंगे आई प्ले रोल्स अगेन एज bad as ever, as good as ever. Roles वो अलग होते हैं, वो अलग व्यक्तित्व है, वो अलग character है. In fact, people expected me also के जैसा वो रोल है वैसे अंदर होगा. नहीं भाई नहीं, you know, जैसा मैं हूँ आपने जैसा देखा मैं exactly वैसा ही हूँ, but you never know roles कैसे हो. I love playing different roles. बच्चों को कुछ नहीं पता ये करणवीर बोहरा बार है. Oh, there are too many things happening on the anvil. एक fashion line for sure खोलनी है. वापस जुट जाना है मेरे बीच वाले काम पर, यू नो, टू डू ऑल वर्क. एंड हाँ, एक किराने की दुकान भी खोलनी है मुझे ऑनलाइन, यू नो, द बिगेस्ट किराने की दुकान ऑनलाइन विल बी केवी किराने की दुकान. विश हर ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस, रियली ग्रेट जॉब, यू नो, बहुत बहुत बधाई आपको और शो हिप को. सीरियसली आई थिंक, यू नो, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग बिफोर वी गो, दैट यू नो, the one thing that anybody should learn, one of his best qualities is how to lose gracefully. Chahe akhada mein ho, task mein ho, how to lose winner, gracefully. Winner though, everybody is happy when they win, but if you can be happy for others when they win, that's a big, big thing, and I'm so proud of him for that. Oh, thank you. Seriously. Thank you guys, thank you so much, love you. Say bye. Hey, give me a phone, I'll take a picture. Give me a phone. It's right here. Thank you so much, Salman. I know. Man, okay, you got to hear this. He was about to he was about to leave and go busy today's long night. Ja rahe the and zor se bola Salman. On his Chilo kya? Okay, chilo kya? He said I have to. Okay, I want to thank all the fans, all of you. Been so fantastic, everybody. Come on, this side. Say big boss. Big boss. Big boss! Big boss! Thank you. Big boss! Thank you guys. Thanks you guys. Say bye. Bye.